हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन डील करने वाले हैं इको नर्सिंग की शानदार वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी किंग्स गोरे मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ की ये वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। एक सीधी डायरेक्ट वैकेंसी है जो कि एक इंटरव्यू बेसिस पे है ये वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, और सैलरी है वो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी है वो देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इसकी, वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए है वो वीडियो को कंप्लीट है वो ज़रूर देखें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप सभी को मिलने वाली हैं या प्रोवाइड करवाई जाती हैं सभी प्रकार की नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी या जो भी अपडेट आती है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, वो सभी अपडेट्स हैं वो इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की जो वैकेंसी है आईटी सेल किंग्स गोरे मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा है ये वैकेंसी निकाली। आईसीएमआर फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये वैकेंसी है वो की जा रही है, और इस वैकेंसी के जो इंटरव्यू डेट है वो रखी गई है दोस्तों 6 मार्च 2023 को है वो इसके इंटरव्यू है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और इंटरव्यू है वो दो बजे से है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के किंग्स गोरे मेडिकल कॉलेज के जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर है वो आपको इंटरव्यू है वो कंडक्ट किए जाएंगे। एवं जो उसके अप्लाई कैसे करना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। तो दोस्तों, आपको इसकी आपका जो भी सीवी है रिज्यूम है उसकी कॉपी है वो हार्ड कॉपी है वो आपको किंग्स गोरे मेडिकल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में है डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के ऑफिस में है वो आपको सबमिट है वो करवाना है हार्ड कॉपी रिमेंबर। और जो इसकी इंटरव्यू डेट है वो रखी गई है वो 6 मार्च को है इंटरव्यू डेट है वो रखी गई है 2 बजे से है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है वो इंटरव्यू देखने में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी हैं इसमें वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी हैं रिसर्च साइंटिस्ट की है, ठीक है। और अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की है वो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जिसकी सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी 31,500 है वो सैलरी है वो देखने को मिलेगी, और एज है वो 30 ईयर तक का है रखा गया है, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो डिप्लोमा इन GNM और इक्विवेलेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ANM विद एनी स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है, यानी कि GNM BSc नर्सिंग ANM सभी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो रखा गया है 200 बेडेड हॉस्पिटल है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये थी दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आपको इसकी हार्ड कॉपी है वो सबमिट करवाने और अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और शुड बी एक्सटेंडेड है जब तक है ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक है इसका एक्सटेंड है वो किया जाएगा इस वैकेंसी को। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, सैलरी आपको 31,500 देखने को मिलेगी, पोस्ट स्टाफ नर्स देखने को मिलेगी, और इसकी जो दोस्तों एक तरह से सीधी भर्ती है डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है, वो जो कि इंटरव्यू बेसिस पे वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी आपको। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सभी प्रकार की जो नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं वैकेंसीज हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। एवं सभी फ्रेंड्स को हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।